नगर निगम की आय बढ़ाने एवं साफ सफाई व्यवस्था को सुदृढ़ करने के संबंध में नगर आयुक्त अविनाश सिंह की अध्यक्षता में कर अधीक्षकों एवं सफाई सुपरवाइजरों की बैठक शुक्रवार को नगर निगम परिसर स्थित गेस्ट हाउस में संपन्न हुई। बैठक में नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने चारों जोनों के कर अधिकारियों को टैक्स वसूली समय पर करने के साथ ही टैक्स न अदा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दिया। साथ ही सफाई सुपरवाइजरों को शहर में साफ सफाई व्यवस्था को सुदृढ़ करने के साथ नालों के सफाई के दौरान निकले सिल्ट के निस्तारण करने का निर्देश दिया और सफाई कर्मचारियों को बीट प्रणाली के तहत तैनात करने का दिशा निर्देश जारी किया। इस मौके पर नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने बताया कि नगर निगम के सभी जोनल टैक्स इंस्पेक्टरों के साथ टैक्स कलेक्शन की समीक्षा की गई। इस दौरान टैक्स अधीक्षकों द्वारा निर्धारित लक्ष्य से कम वसूली पर उनको चेतावनी दी गई। साथ ही नगर निगम में सफाई कर्मचारियों के लिए बीट प्रणाली की शुरुआत की गई है, जिसमें निर्धारित क्षेत्र में कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाएगी। इससे महानगर में सफाई व्यवस्था सुदृढ़ तरीके से करने में सहायक होगा। इस मौके पर टैक्स अधीक्षक एवं सफाई अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने कहा, वो पहले वाले में फिर 34 तक आया, फिर 32 तक आया, फिर अब आज की बस 45 तक आया और कल तक की फिगर जो है हमारे पास 5 जून से लेकर 10 जून इस बार सबसे कम दिन में सबसे ज्यादा है। ठीक है ना, कितना है बता? 20,000 और इनके काउंटर में 36,777 रुपये है। तो इन लोगों का एक चीज़ कहना है सर कि हम लोग क्षेत्र में जाते हैं, दो बार चार बार जाते हैं काउंटर में, क्योंकि वो रसीदें वगैरह मिल जाती हैं इसलिए वो आते हैं। तो ये काउंटर वाला भी हमें जोड़ा जाए, बढ़ाएंगे। तुम्हें ढूंढ जा रहे हो, ये भी जाते हैं, चार गाली बत्ती आ रहे हैं, मैं खुद जा रहा हूँ, तो फिर हमारा पैसा जो हम वो मार्केट में जोड़ोगे और आउट गोइंग बैलेंस नहीं बनेगा। बैलेंस क्या, बल्कि हमारा इनकमिंग ज़्यादा रहना चाहिए आउट गोइंग से बाहर। क्यों, कब कौन सी इमरजेंसी आ जाए? बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो इमरजेंसी के नाते हमको, जैसे भी इनके आए कि बिजली वाला मामला समस्या चल रही है, हमें नहीं मालूम एस एस एल वाला अब उसको वो कर रहे हैं, अब 30 लाख रुपये वो मांग रहे हैं, वो अचानक खर्चा आया। ऐसे बहुत से खर्चे हैं और उन खर्चों को मीट आउट करने के लिए बस एक ही रास्ता है कि हम अपनी वसूली को बढ़ाएं। और ये देखिए, आप मोटा मोटा मालिक कितने लोग टोटल हैं? टोटल 24 लोग हैं और आप कहते हो कि एक हफ्ते में 41 जो कह रहे हो, तो अगर उसको मोटा मोटा 1 पर 2 लाख पड़ा एक हफ्ते में, अभी जो यहाँ पर हमारे जितने भी टैक्स कर अधीक्षक हैं, टैक्स सुपरिटेंडेंट हैं, उनको ही बैठक ली जा रही थी, जिसमें सभी वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। इसका मुख्य उद्देश्य था कि जो वसूली की जा रही है उसके जो टैक्स की वसूली की समीक्षा किया जाना, और उसमें वसूली जो कुछ लोगों ने तो बहुत ही अच्छी वसूली किया है, लेकिन कुछ लोगों को जिनको टारगेट दिया गया था वो उस टारगेट को अचीव नहीं कर पाए थे, तो उनको यही उन लोगों को सचेत करना था कि वसूली पर पूरी तरह से ध्यान दें और जो उनको लक्ष्य दिया जाए उस लक्ष्य की जो है पूर्ति अवश्य करें, अन्यथा की स्थिति में उनके विरुद्ध जो है कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जितने भी सफाई कर्मचारी हैं, जितने भी हमारे टोटल 3,308 जो हमारे कर्मचारी हैं, जिसमें कि जो हमारे सीएलसी से हैं और जो हमारे स्थाई हैं, उन कर्मचारियों की फील्ड में हर समय प्रेजेंस, मतलब जब रहे मौजूद रहें, सफाई पे पूरा ध्यान दें। इसके साथ साथ जो हम लोगों ने अभी जो बीट प्रणाली बीच में कम हो गई थी उसको पुनः पुनर्जीवित किया है, उसका रिन्यूअल किया है कि जो जहाँ पे एक वार्ड में जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं वो किस उसकी उसकी ड्यूटी किस बीट पे लगाई गई है, जिससे कि हम जिस बीट पे भी जाएं अगर बीट गंदी है, बीट ख़राब है, ढंग से नहीं उसको तैयार की गई है, नहीं सफाई की गई है, गंदगी पड़ी हुई है, तो वहाँ तत्काल मालूम चल जाए कि
किस कर्मचारी की यहाँ पे ड्यूटी लगी थी और किसके खिलाफ हमें कार्रवाई करनी है। तो हर इससे एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा भी पैदा होगी कि हर सफाई कर्मचारी अपनी बीट को साफ करने के लिए मौजूद रहेगा। और इससे यह भी रहेगा कि अगर मान लीजिए कोई कर्मचारी बाई चांस किन्हीं कारणों से अनुपस्थित रहता है तो अन्य कर्मचारियों की ड्यूटी लगाकर हम लोग जो है उस बीट को साफ करा देंगे। तो आज जो बीट प्रणाली है उसके संबंध में दलेल प्रणाली है और जो आने वाला जो बरसात का मौसम है उसमें जो जल प्लावन आदि को लेकर कैसे जो इतनी नाले की तली झाड़ जो सफाई चल रही है उसके संबंध में जो हम लोगों ने सफाई कराई सिल्ट वगैरह निकली है उसका हर हालत में टाइमली उठान हो जाए। और आज अभी कुछ देर पहले जो एसीएस सर ने जो वीसी किया था वीसी के माध्यम से मार्गदर्शन दिया था उसके बारे में भी इनको अवगत कराया जा रहा है जिससे कि जो शासन के दिशा निर्देश हैं शासन की जो अपेक्षाएँ हैं उस पर सब लोग खरे उतर सकें।